हेलो एवरीवन वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर मैं हूँ फाकरा जफर और आज आपके लिए जो मैं क्लास लेकर आई हूँ वर्क हम पहले ऑलरेडी काफी क्लासेस कर चुके हैं आज आपकी क्लास है और हंड्रेड प्लस इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं तो लगभग हमारे आज पचास से ज्यादा क्वेश्चन तो हमारे आज ही नहीं बढ़ जाएंगे ठीक है अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो प्लीज करके ना प्रीवियस सेशन जरूर देख लेना वरना आपको दिक्कत होगी आज जो आपको सिखाने वाली हूँ आज मैं आपको शिफ्टिंग मैथर्ड सिखाने वाली हूँ ठीक है ये वो मेथड है जिससे आपको एक्स वैक्स सेलेक्ट करना नहीं पड़ता और आपका जितना भी बड़ी कैलकुलेशन होती है जैसे दो दो पेज चीज भर जाते हैं वो सब नहीं करना पड़ेगा सिर्फ सिर्फ एक छोटे सा आपको मेथड सीखना है शिफ्टिंग मेथड पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मेथड है ये ठीक है तो आज हम इसी मेथड की बात करने वाले हैं मैं कई क्वेश्चन इसी मेथड पे कराऊंगी तो इससे क्या होगा आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आ जाएंगे ठीक है फिर प्रैक्टिस वेस्ट तो मेरा चल ही रहा है मैंने जो है उसकी वीडियो अपलोड कर दी है देख लेना थ्री थर्टी पी पर उसकी वीडियो अपलोड हुई है तो आप देख लेना प्रैक्टिस बैच में क्वेश्चंस भी कराए हैं एस SI आई और सी के तो हमारी प्रैक्टिस वहाँ से चलती रहेगी और यहाँ पर हम जो है बेसिक टू तो एडवांस लेवल अपना पढ़ेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस की सेवन पी पर पेड बैच फोर पी पर मेरी जी की क्लास होती है फाइव पी एम पर रूपांशी मैम आपको लिटरेचर पढ़ाती हैं थ्री पी पर मेरा पेड वो है सॉरी प्रैक्टिस बैच है जिसमें मैं आने आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कराई है किस चीज़ की करना और की तो पहला टॉपिक मैंने और CI लिया था जिससे काफी हद तक एग्जाम में आपको पता है काफ़ी क्वेश्चन को मिल जाते हैं ठीक है और की मेरी 6 पर क्लास होती है अगर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ना है तो आप जो हो ये क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी ठीक है ओके स्टार्ट करते हैं क्लास को मॉक टेस्ट भी वही देख ही लो एक मिनट है ना मॉक टेस्ट आपके टू मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाते हैं फ्री थर्टी मॉक टेस्ट है और ये आपको सी जी एल पैटर्न पर मिलते हैं अगर आप इंग्लिश बाय टाइगर सर ऐप डाउनलोड करते हो कोई भी दिक्कत आए मैथ्स या जीएस में तो जनरल स्टडीज ए टी एस ग्रुप में पूछ लेना इंग्लिश में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में पूछ सकते हो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क तो आज कौन सा क्वेश्चन होना था फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन आज हम करेंगे ना फॉर्टी फिफ्थ नहीं फोर्टी सिक्स करेंगे ना फोर्टी फाइव तक हमने निपटा लिए थे क्वेश्चन ठीक है तो फिफ्टी से ज़्यादा क्वेश्चन तो आज ही कर लेंगे हम तो अभी आपके जो है टाइम एंड वर्क की फोर टू फाइव क्लासेस और रहेंगी टाइम एंड वर्क में ना मतलब वैराइटीज बहुत है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इजी भी भीजी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स यहाँ से हम जो है शिफ्टिंग करना समझेंगे कि शिफ्टिंग मेथड क्या होता है बैक टू बैक ए मेथड पे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारी पकड़ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपसे कहा गया है ए जो है पच्चीस परसेंट किसी काम को करता है और रेस्ट ऑफ दी काम बी करता है और दोनों मिलकर इस तरह से बीस दिन में काम को पूरा कर लेते हैं वहीं अगर बी की बात की जाए अगर बी पिछह पच्चीस परसेंट काम करता है और बचा हुआ काम ए निपटाता है तो दोनों जो है तीस दिन में काम को ख़त्म करते हैं तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे अलोन अलग अलग कितने दिन में काम पूरा करेंगे ठीक है भाई ए अगर पच्चीस परसेंट वर्क कर रहा है तो बी कितना करता होगा पिछहत्तर पिछहत्तर परसेंट ठीक है इस तरह से दोनों बीस दिन में काम पूरा कर लेते हैं है ना अगर ए आपका पिछहत्तर परसेंट करें और बी आपका पच्चीस परसेंट काम करता है तो दोनों तीस दिन में काम करते हैं तो यहां से आपने एक चीज एनालाइज की होगी अगर मैं बी से ज्यादा काम करा रही हूँ तो दिन कम लग रहे हैं लेकिन अगर मैं ए से ज्यादा काम करा रही हूँ तो दिन ज्यादा लग रहे हैं और बी और ए के काम में कितने का डिफरेंस है पूरे पूरे पचास परसेंट का डिफरेंस है।, मतलब तो है काम दस दिन पहले खत्म हो जाता है वही काम अगर बी करे कि बी जो है ए का पचास परसेंट खुद कर रहा है तो वही जो है दस दिन बढ़ रहे हैं है ना साफ साफ क्वेश्चन में ये चीज नजर आ रही है तो देखो हाइट कर लेती हूँ है देखो यहाँ से आप ये देख रहे हो चीज को आप पहले समझिए है ना एक क्वेश्चन पे हम थोड़ा टाइम लगाएंगे क्योंकि हमें मुझे आपको चीजें समझानी है ठीक है देखो भाई आपने एक चीज एनालाइज की ए और बी के काम में पचास प्रतिशत का अंतर है ठीक है अगर ए में मैं पचास परसेंट जोड़ू तो पिछहत्तर हो जाएगा राइट तो अगर मैं ए का पचास काम बी से करा रही हूँ ठीक है तो काम बीस दिन में खत्म हो रहा है लेकिन वही अगर बी का 50 परसेंट में ए से करा रही हूं तो काम को कितने दिन लग रहे हैं 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं 10 दिन जो है काम आपका जो 50 परसेंट की जो वैल्यू है वो आपके 10 दिन बढ़ा रही है है ना दस दिन वर्क बढ़ रहा है तो देखो शिफ्टिंग मेथड में क्या होता है ठीक है एक बार समझ में थोड़ी दिक्कत होगी मुझे जो है लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए चीज़ों को ठीक है लेकिन हम बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी चीज़ें आप ही क्लियर हो जाएंगी देखो भाई ए है आपका और ये आपका बी है ठीक है ये अगर पच्चीस परसेंट करता है तो ये आपका पिछहत्तर परसेंट है ना और काम आपका बीस दिन में ख़त्म हो जाता है लेकिन अगर ये पिछहत्तर परसेंट करता है और अगर ये पच्चीस परसेंट करता है तो जो है काम तीस दिन में आपका हो जाता है तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मैं जो बॉटम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है यहां से भी स्टार्ट करते हो, कोई इशू नहीं है ठीक है लेकिन बॉटम से अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो चीज आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी ठीक है ये जो 25% परसेंट है ठीक है तो इसका मैंने कितना परसेंट कम किया ए बी का 50 परसेंट ठीक है ये 50 परसेंट में किससे करा रही हूँ ए से बी का 50 परसेंट ए कर रहा है तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं पहले 20 दिन लग रहे हैं तब 30 दिन लग रहे हैं पूरे 10 दिन एक्स्ट्रा लगे ठीक है 10 दिन एक्स्ट्रा लगे ना 20 से 30 हो गया 10 दिन एक्स्ट्रा लगे इस अगर मैं जो हूँ ये 25 परसेंट भी 25 परसेंट का 25 परसेंट भी ए से करा लू मतलब टोटल हंड्रेड काम अगर मेरा ए यहाँ कर रहा है ठीक है तो कितने दिन की बढ़ोतरी होगी पाँच दिन की फाइव डेज एक्स्ट्रा लगेंगे भाई अगर 50 परसेंट पे 10 दिन लग रहे हैं तो 25 परसेंट पे कितने दिन लगेंगे पांच दिन आधा ही तो हो जाएगा तो मैं कह सकती हूँ हंड्रेड परसेंट वर्क जो होगा वो कितने दिन का हो जाएगा 35 दिन का ए 35 दिन में अपना सौ प्रतिशत काम निपटा लेगा क्योंकि देखो पहले दस दिन बीस थाना का अब पचास परसेंट एक बी का काम ए ने किया पचास परसेंट जब बी का काम ए ने किया तो दस दिन बढ़ गए जिसकी वजह से ये तीस हो गया अब मैंने पच्चीस परसेंट काम भी ए से करा लिया मैंने पूरा हंड्रेड परसेंट काम ए से करा लिया है यहाँ पर तो कितने दिन बढ़ गए पांच दिन तो टोटल कितना हो जाएगा 35 तो इट मीन्स ए जो है हंड्रेड काम अपना पैंतीस दिन में करेगा यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट आई होप आपका नहीं होगा ठीक है अब मुझे बी का फाइंड आउट करना है तो देखो यहाँ पे अगर मैं सेम मैं ऊपर की साइड लगा टॉप तो देखो क्या होगा कि भाई मैंने जो है ए ने पचास प्रतिशत काम जब बी से कराया तो दस दिन कम हुए तीस था तीस से बीस हो गया है ना दस दिन कम हो गए काम बीस बचा अगर मैं ये पच्चीस परसेंट काम भी करा लूं तो कितने दिन कम होंगे पांच दिन भाई ए पचास प्रतिशत काम जब बी ने किया तो दस दिन कम हो गए काम तीस से बीस हो गया अगर मैं पच्चीस परसेंट काम भी बी से करा मतलब मैं हंड्रेड परसेंट काम अगर बी से करा लेती हूँ तो 5 दिन और कम हो जाएंगे बीस में से कितना बचेगा पंद्रह तो मैं ये कह सकती हूँ बीस वर्ग कितना हो जाएगा बीस हंड्रेड परसेंट वर्ग कितना हो जाएगा आपका पंद्रह ठीक है तो यहां से मेरा ए और बी का हंड्रेड परसेंट वर्क आ चुका है मुझे फाइंड आउट क्या करना है मुझे फाइंड आउट करना है कि इन दोनों को कितने दिन लगेंगे अरे वाह बस बी इज दी करेक्ट आंसर यही तो पूछा था ए को 35 दिन लगेंगे और बी को पंद्रह दिन यहाँ पर टोटल काम को फिनिश करने में लगेंगे ठीक है ये तरीका हो जाता है शिफ्टिंग मेथड इसे हम शिफ्टिंग मेथड कहते हैं इसमें आपको x व x सेलेक्ट करने की कुछ भी नीड नहीं है यहाँ से आप b का ऑलरेडी काफी आसानी से निकाल सकते हो वो कैसे देखो अगर आप खाली a का निकाल लो है ना दूसरे का आपको निकालने की ऐसे नीड भी नहीं है सिंपली अगर आप a का फाइंड आउट कर ले तो a या b का किसी एक का फाइंड आउट कर लो a का फाइंड आउट कर लो चाहे b का फाइंड आउट कर लो ठीक है उसके बाद आप देख रहे हो 25% परसेंट काम अगर ए कर रहा है बी 75 कर रहा है तो काम 20 दिन में ख़त्म हो रहा है यही रेशो अगर उल्टा हो जाता है तो काम 30 दिन में ख़त्म होता है तो दोनों अगर 100% प्रतिशत काम करते हैं अपने अपने हिस्से का तो दोनों मिलकर 50 दिन में काम पूरा कर लेंगे 100% प्रतिशत की वैल्यू ए तो की पैंतीस आई थी तो बी की हंड्रेड की वैल्यू क्या जाएगी पंद्रह है ना पचास में से पैंतीस जाएंगे तो पंद्रह इसी तरह से अगर आप पंद्रह फाइंड आउट कर लोगे बी का अगर फाइंड आउट कर लोगे तो एक आ जाएगा ठीक है तो किसी भी तरीके से कर सकते हो तो इसमें हम शिफ्टिंग मेथड कहते हैं जिसमें हम जो है क्या करते हैं कि काम को हम शिफ्ट कर देते हैं काम को हम क्या कर देते हैं शिफ्ट कर देते हैं है ना इसमें हम वर्क को शिफ्ट करते हैं ठीक है इसे हम शिफ्टिंग मैथड कहते हैं आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा काफी ईजिल आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ठीक है सिंपल सी चीज थी बेसिक आपके नॉलेज पर बेस्ड थी बेसिक कॉन्सेप्ट था ये इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं है कोई ट्रिक व्रिक नहीं है ना पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था ये अभी हम बैक टू बैक इसमें क्वेश्चन करेंगे ना तो और भी अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन A <coughs> a A does whole part of of work work work. in in days. days. Rest of the the done by a and B in three days. B complete वर्क है. इसमें कुछ ऐसा है नहीं देखो A जो है अपना four by fifth काम कितने दिन में करता है बीस दिन में तो total काम कितने दिन में करेगा वो पच्चीस दिन में तो A total काम पच्चीस दिन में कर लेगा A और B जो है मिलकर कितना काम निपटाते हैं देखो भाई जस्ट सेकेंड से मैं रब कर देती हूँ साफ साफ फाइव लिख देती हूँ ठीक है पूरा काम अगर पांच था ठीक है पूरा काम अगर पांच था तो पांच में से चार पार्ट पहले ही ए निपटा चुका है बचा कितना फोर बाय फाइव था ना पांच अगर टोटल काम था तो बचा कितना वन फिफ्थ ठीक है तो वन फिफ्थ काम ए और बी मिलकर कितने दिन में निपटाते हैं तीन दिन में तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे पंद्रह दिन में एल सी एम कितना आएगा पिछहत्तर एफिशिएंसी की बात करूँ एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी तीन और इसकी हो जाएगी पाँच तो ए की एफिशिएंसी अगर तीन है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दो ठीक है और आपसे पूछा है बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा पिछहत्तर टोटल काम है दो की एफिशिएंसी है थर्टी अच्छा उसमें है होल में ही ठीक है चलो फ्रैक्शन में ही गिवन है तो आंसर भी आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा इजी फोर फिफ्थ काम अगर आपका ए कर रहा है तो ए फुल वर्क कितने दिन में करेगा आपका पच्चीस दिन में ठीक है फोर फिफ्थ काम ए निपटा चुका है तो बचा कितना वन फिफ्थ काम जो कि ए प्लस बी पांच दिन में निपटा रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में निपटाएंगे वो पंद्रह दिन में इसके थ्रू मैंने एलसीएम लिया टोटल सेवेंटी फाइव है तो बी uh, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा सेवेंटी फाइव अपॉन टू डेज में ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सॉरी ए बी एंड सी वर्किंग टूगेदर कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन थर्टी टू डेज ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं तीनों लोग और बत्तीस दिन में काम को पूरा कर लेते हैं लेकिन चौबीस दिन ही तीनों ने साथ में काम किया उसके बाद सी चला जाता है और बाकी का काम ए और बी जो है अट्ठाईस दिन में निपटाते हैं ए का एक दिन का काम बी के दो दिन के काम के बराबर है तो आपको बताना है तीनों अगर अलग अलग काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये चीज़ आपसे पूछी गई है तो देखो हुआ क्या है कहानी में कि ए बी और सी थे मिलकर जो है बत्तीस दिन में काम निपटा लेते हैं लेकिन देखो ट्रेजेडी कुछ इस तरह से हो जाती है कि ये तीनों जो है ना बत्तीस दिन में काम कर ही नहीं पाते तीनों खाली चौबीस दिन तक ही साथ में काम करते हैं उसके बाद सी चला जाता है और बेचारा ए और बी मिलकर ही बाकी के काम को अट्ठाईस दिन में निपटा देते हैं ठीक है अगर आप देखो यहाँ पर अगर सी नहीं जाता अगर सी नहीं जाता तो काम जो है बत्तीस दिन में खत्म हो जाता है लेकिन अब देखो काम जो है अगर आप देखो कितने दिन में खत्म हो रहा है फिफ्टी टू डेज में वर्क फिनिश हो रहा है राइट right? तो अगर बी नहीं जाता सॉरी सी गया था ना हाँ सी अगर नहीं जाता तो बत्तीस दिन में काम खत्म होता लेकिन सी चला गया जिसकी वजह से सी के जाने से हुआ क्या इम्पेक्ट क्या पड़ा कि इन दोनों ने इन तीनों ने साथ में मिलकर ए बी और सी ने आठ दिन एक्स्ट्रा काम नहीं किया है ना अगर सी नहीं जाता तो आठ दिन और काम कर दे क्योंकि चौबीस में से बत्तीस में से अगर चौबीस जाएंगे तो कितना बचेगा आठ है ना तो ये तीन आठ दिन मिलकर और काम करते और काम खत्म हो जाता लेकिन इन तीनों ने आठ दिन काम नहीं किया मिलकर जिसकी वजह से क्या हुआ ए और बी को अट्ठाईस दिन काम करना पड़ गया मतलब मैं ये कह सकती हूँ अरे मिट गया क्या हूं ओहो मैं इस वाली स्लाइड पे लिखते चलो कोई नहीं ठीक है ए बी सी ने आठ दिन काम किया नहीं जिसकी वजह से हुआ क्या अट्ठाईस दिन काम करना पड़ जाता है ए और बी को क्योंकि आठ दिन का ही तो काम बचा था इन तीनों का ये इन तीन तीनों ने मिलकर किया नहीं मिलकर किसने किया ए और बी ने लेकिन आठ दिन नहीं नहीं अट्ठाईस दिन लग गए आठ दिन के काम को निपटाने में ए और बी को अट्ठाईस दिन लग जाते हैं तो यहाँ से अगर मैं चीज़ सॉल्व करूँ फोर से फोर टू जट फोर सेवन ज़ा तो मैं ये कह सकती हूँ ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर आपका ए प्लस बी कितना आ रहा है ठीक है और मुझे एक कंडीशन और गिवन है कि A का एक दिन का दिन काम बी के दो दिन के काम के बराबर है तो ये कितना एफिशिएंसी गिवन है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है टू अपॉइन वन अब यहाँ पर ए और बी कितने आ रहे हैं अगर आप देखो तीन टू प्लस वन थ्री आ रहा है और यहाँ पर ए और बी कितना है टू तो मैं क्या करूं सेम बना लेती हूँ है ना सेम बना लेते हैं तो इसको भी मैं टू से नहीं इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं हाँ थ्री से इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो इसको भी मुझे थ्री से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ठीक है? है अब चीज़ सही आ जाएगी ये हो जाएगा इक्कीस ये हो जाएगा छः ये हो जाएगा छः और ये हो जाएगा तीन ठीक है अब चीज़ें सही आ रही हैं हाँ गड़बड़ी हो रही है ना सेम नहीं हुआ अभी भी मल्टीप्लाई गलत करा दी इसको अगर तीन से करा रही हूँ उसको दो से मल्टीप्लाई करा लेना चार पाँच छः तभी तो छः बनेगा हाँ इसको दो से मल्टीप्लाई करा दो अब सही है चार अपॉन दो है ना अब a प्लस बी यहाँ पर भी छः है और a प्लस बी यहाँ पर भी आपका छः आ रहा है ठीक है अब चीजें सही हैं फाइंड आउट क्या करना है इसमें अरे तीनों का अलग अलग काम ठीक है निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा

आठ बार में ठीक है ये ए का वर्क आ जाएगा बीस वर्क देखें तो ट्वेंटी वन इंटू थर्टी टू टोटल वर्क है एफिशिएंसी कितनी है दो कितना आ जाएगा सोलह तो ट्वेंटी वन इस टू सोलह आपका बी का आ जाएगा और सीज का वर्क देखें सी का तो बहुत ही गंदा आ रहा है ट्वेंटी वन इंटू थर्टी टू अपॉन पंद्रह एफिशियंसी पंद्रह हो जाएगी ना छ में से सोलह में इक्कीस में से छह जाएंगे तो सी की एफिशियंसी क्या हो जाएगी पंद्रह ठीक है और इसको डिवाइड कराओ डिवाइड ये होगा भी नहीं थ्री से चला जाएगा बहुत हुआ तो थ्री फाइव सा फिफ्टीन एंड थ्री सेवन है है और फाइव से कैंसिल आउट भी नहीं होगा सेवन इन थर्टी टू अपॉन फाइव ठीक है बहुत ही गंदे हैं ये आप जो हो ऑप्शन से, से अगर यहाँ पे ऑप्शन होते ना तो हम मैच करके देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं है तो ऐसा सॉल्व करोगे तो मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको यहाँ पर एफिशिएंसी बस सेम करनी थी बस एक एक्स्ट्रा स्टेप था ये लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी क्वेश्चन था लेंथी था इजी था कैलकुलेटिव था ठीक है और इस क्वेश्चन में बाकी कुछ था नहीं सिंपल क्वेश्चन था ठीक है आई होप आपको क्लियर होगा ए और बी सी मिलकर 32 दिन में काम निपटा सकते थे लेकिन 24 दिन ही काम किया 8 दिन काम जो है नहीं किया इन दोनों ने साथ में मिलकर सी भाग जाता है 8 दिन काम जो नहीं हुआ है साथ में मिलने से उसकी वजह से हुआ क्या ए और बी को अट्ठाइस दिन ज्यादा काम करना पड़ गया इक्वेशन इक्वल पुट करो और सॉल्व कर लो ठीक है मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन

कराऊंगी मैं लास्ट में क्योंकि यहां से आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा ठीक है इस वजह से अभी मैं लास्ट में बताती हूँ अभी जो शिफ्टिंग वाला है ना उस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ वो ज्यादा बेस्ट रहेगा स्टार्ट फॉर थ्री डेज ये भी शिफ्टिंग पर है, ये भी पर है, है. Uh, 54 करते हैं पहले क्योंकि ये पर है. देखो ए और बी किसी काम को बारह दिन में करते हैं बी और सी जो है सिक्स होल्ड टू बाय थ्री डेज में करते हैं ए तीन दिन काम करता है बी चार दिन काम करता है और सी बाकी के काम को सात दिन में निपटा देता है तो आपको बताना है तीनों अगर अलग अलग डेज में काम मतलब काम करते हैं तो कितने दिन में काम निपट जाएगा ठीक है मतलब वर्किंग अलोन कितने दिन में काम निपटाएंगे ठीक है देखो ए और बी कितने दिन में काम निपटाते हैं बारह दिन में और बी और सी कितने दिन काम करते हैं कैन डू अ वर्क इन सिक्स होल टू बाई थ्री डेज में जिसको मैं लिख सकती हूँ बीस बटे तीन ठीक है और आपसे कहा गया है ए तीन दिन काम करता है ए आपका तीन दिन काम करता है बी आपका चार दिन काम करता है और सी आपका कितने दिन काम करता है सात दिन काम करता है ये आपको गिवेन है ठीक है और इस तरह से पूरा काम कंप्लीट हो जाता है <laughs> देखो अगर यहां पर ना एक चीज और होती एक एक्स्ट्रा चीज और होती क्या ए प्लस सी हमें गिवन होता और उनका कुछ काम गिवन होता तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता सिंपली हम एल सी एम लेते एलसीएम लेके उसको टू से डिवाइड कराते थे तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का काम हो जाता एक बार इनका काम हो जाता एफिशिएंसी आ जाती और फिर क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं लेकिन ये क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो बस एक ही जो है न, एक ही बंदा रिपीट हुआ है वो है बी B यहाँ पर B है और B यहाँ पर भी है C यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी नहीं है ना C और एक जो है एक एक है बाकी B हमारा दो है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे हम जो है खाली इन दोनों का ही एल्सियम ले लेते हैं इन दोनों का ही एल्सियम लेते हैं कोई और कोई और तो ऑप्शन हमारे पास है नहीं एल्शियम कितना आ जाएगा सिक्सटी इससे कितनी बार जाएगा पांच बार इससे कितनी बार चला जाएगा छह बार ठीक है एल्सियम आ चुका है हमारा अब मुझसे कोई ये मत सोचना कि अब एल कैसे मैंने निकाला है ठीक है आपको पता है ट्वेंटी और अपॉन थ्री और ट्वेल्व का जब मैं एल सी लूँगी तो ऊपर वालों का हम एल लेते हैं और नीचे वालों का एस लेते हैं एस सी वन ही आना था ठीक है इस तरह से वॉल्यूम ठीक हाँ, आ रही है <coughs> थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी नेटवर्क में और थोड़ी वॉइस में भी ठीक है ओके okay. अब ठीक है स्टार्ट करते हैं हाँ तो मैंने आपसे क्या कहा एलसीएम का मैं आपको बता दूं किस तरह से एलसीएम लेते हैं ठीक है देखो सिंपल है एलसीएम लेना इनका मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ ट्वेल्व और जब मैं ट्वेंटी अपॉन थ्री का एलसीएम लेंगी तो ज़ाहिर सी बात है ऊपर वालों को हमें एलसीएम लेना होता है और नीचे वालों को हमें एल लेना है तो इस हिसाब से हमारा जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा साठ तो बारह पंजे साठ अब देखो इससे आप कैसे कैंसिल आउट करोगे साठ आपका एलसीएम है तो ट्वेंटी अपॉन थ्री आ जाएगा थ्री तो ऊपर चला जाएगा ये तीन बार और छनो आएगा यहाँ पे नाइन है ना नाइन टाइम्स आएगा क्योंकि थ्री भी तो था ना ये और थ्री से थ्री की मल्टीप्लाई होगी तो नाइन आ जाएगा ठीक है अब मेरे पास जो एफिशिएंसी है यहाँ पर एफिशिएंसी मेरे पास ए प्लस बी की है जो कि पाँच आई है और साथ में बी प्लस सी की है जो कि मेरी नौ आई है ठीक है और मेरे पास सिंपली ये चीजें हैं तो इन दोनों की एफिशिएंसी की हेल्प से मैं जो हूँ सी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी अलग अलग नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगी ठीक है तो इस केस में मुझे क्या कराना होगा मुझे इस केस में जो है शिफ्टिंग मेथड जो है यहाँ पर अप्लाई करना होगा मुझे क्वेश्चन में गिविन है ए बी और सी के ए जो है किसी ए तीन दिन काम करता है बी चार दिन और ये जो है बेचारा सात दिन में काम निपटाता है ये था ना तीन चार सात अब देखो मेरे पास जो डेटा है जिस तरह से मुझे एफिशिएंसी एफिशिएंसी है, उसी के बिहाफ पे मैं क्या करूंगी मैं जो हूँ इन इन लोगों को साथ में काम कराऊंगी इन लोगों से मैं साथ में काम कराऊंगी ए बी की एफिशिएंसी मेरी कितनी है पांच और बी प्लस सी की एफिशिएंसी मेरी कितनी है नौ ठीक है अब चलो, स्टार्ट करते हैं. देखो ऐसा करते हैं हम शिफ्टिंग मेथड में कि जो है ए को हम तीन दिन अकेला नहीं छोड़ रहे शिफ्टिंग मेथड में हमें अकेला नहीं छोड़ना होता ठीक है हम अकेले नहीं छोड़ रहे हैं मैं क्या करती हूँ मैं ए के साथ ना बी को भी काम करा लेती हूँ अब ए और बी ना मिलकर तीन दिन काम करेंगे अगर ए और बी यहाँ पर मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर अकेला बी कितने दिन का काम बचेगा का बी का एक दिन का क्योंकि तीन दिन काम ये बी ए के साथ कर चुका है देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बी की एफिशिएंसी कुछ भी हो जस्ट फॉर एन एग्जांपल बी की एफिशिएंसी दो है ठीक है वो अकेला काम करेगा तब भी एक दिन में दो यूनिट बनाएगा वो ए के साथ काम करेगा तब भी एक दिन में दो यूनिट बनाएगा अब ऐसा तो तो है नहीं कि ए ने इसे बूस्ट पिला दिया हो तो एक, एक दो से एफिशिएंसी इसकी चार तो यूनिट बनाने लगे भी है ना ऐसा तो कुछ है नहीं भाई वो बी अकेला भी दो यूनिट बना रहा है और मिलकर भी दो यूनिट बना रहा है तो अकेले काम करवा ही क्यों रहे हो साथ में करवा लो काम तो ए और बी को मैंने तीन दिन साथ में काम कराया तीन दिन साथ में काम कराया तो तीन दिन के हिसाब से इन लोगों ने कितनी यूनिट बना दी इनकी एफिशिएंसी कितनी थी साथ में पांच पांच इनकी एफिशिएंसी थी तो पंद्रह यूनिट ये बना चुके हैं अब बी एक दिन बचा है अकेला ठीक है अब एक दिन तो मुझे नहीं पता कितना काम करा है लेकिन मुझे ये पता है अगर मैं इसके साथ जो हूं किसको ले आऊ सी को एक दिन का ए का बी का, 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 का काम एक दिन काम करना है ना बस अब बी को इसके साथ मैं अगर सी को ले आती हूँ और ये दोनों मिलकर एक दिन काम करते हैं और इनकी एफिशिएंसी कितनी है एफिशिएंसी इनकी नौ है तो एक दिन में ये दोनों मिलकर ये नौ यूनिट बना देंगे भाई बी की एफिशिएंसी चाहे कुछ भी हो और सी की एफिशिएंसी चाहे कुछ भी हो मान लो सी की एफिशिएंसी अगर पाँच है तो वो अकेले भी पांच यूनिट बनाएगा और बी के साथ भी पांच यूनिट बनाएगा ठीक है इस वजह से ही मैंने जो है एक दिन का जो बी का काम था वो मैंने सी के साथ करवा दिया है ना क्योंकि अकेला नहीं छोड़ रहे हम सी को अब जो सी है उसने एक दिन का काम अगर बी के साथ निपटा दिया तो अकेला कितने दिन का बचा उसका छः दिन का काम ठीक है अब ये छः दिन का काम वो अकेला करेगा इसकी अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे कितने दिन में मतलब कितना काम बचा है अगर आप देखो यहाँ से काम कितना हो चुका है काम आपका ट्वेंटी फोर हो चुका है टोटल है कितना साठ चौबीस निपट चुका है तो बचा है कितना थर्टी सिक्स ये छत्तीस काम किसने निपटाया होगा हो छह ने निपटाया होगा छह ने छत्तीस काम कितने दिन में निपटाया होगा छह दिन में है ना तो एफिशिएंसी क्या होगी सॉरी, एक होगा इसने छह यूनिट तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सी की एफिशिएंसी छ हो जाएगी सीज एफिशिएंसी की अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी छ अगर सी की एफिशिएंसी छह है तो फिर ए बी की कितनी हो जाएगी तीन क्योंकि ए बी प्लस सी की कितनी है नौ है तो अगर सी की छः है तो बी की तीन हो जाएगी बी की अगर तीन है तो ए की कितनी हो जाएगी ए प्लस बी की कितनी थी पांच थी तो ए की अगर तीन है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी दो हो जाएगी और आपसे अलग अलग काम पूछा गया है टोटल काम कितना है साठ टोटल वर्क कितना है सिक्सटीन तो यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क फाइंड आउट करती हूँ ए कितने दिन में काम निपटा लेगा ए आपका तीस दिन में काम निपटाएगा बी आपका बीस दिन में काम निपटा लेगा और सी आपका दस दिन में काम निपटा है, हाँ, है, जो है ना ऑप्शन उल्टे पुल्टे लगा रखे ठीक है, है दस बीस और तीस है ना यही आपका आंसर है क्योंकि इसमें आपकी तीन है तो यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है वो सी बी और ए के हिसाब से है ठीक है ऑप्शन जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ऑप्शन में अदरवाइज आपके सामने पूरा क्वेश्चन है जो है है जो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा ठीक आई होप बहुत आराम से समझाया है पीछे करके देख लेना आप वीडियो को अगर समझ में नहीं आता है ना एक दो बार अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है आपको मैंने जब बताती है कि हमने शिफ्ट शिफ्टिंग करने से क्यों फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भाई बी अगर एक यूनिट बना रहा है कितनी यूनिट तीन बी अगर एक दिन में तीन यूनिट बना रहा है तो अकेले भी तीन यूनिट बनाएगा और ए के साथ भी तीन यूनिट बनाएगा इसलिए अगर मैं ए के साथ काम करा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास अलग अलग एफिशिएंसी है नहीं मेरे पास कंबाइंड एफिशिएंसी है ठीक है इसी वजह से मैं दोनों को जो है साथ में काम करा दूंगी ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर पी एंड क्यू जो है साथ में मिलकर किसी काम को छह दिन में कर लेते हैं क्यू और आर फिनिश करते हैं सेम वर्क को सिक्सटी अपॉन सेवन डेज में पी स्टार्ट करता है काम को तीन दिन करता है उसके बाद खत्म कर देता है क्यू और आर जो है मिलकर छह दिन काम करते हैं पी और आर के काम में आपको डिफरेंस बताना है कि इनके जो है डेज में कितना डिफरेंस है ठीक है क्या है क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि पी और क्यू कंप्लीट करते हैं काम को कितने दिन में छ दिन में Q और R, Q और R कितने दिन में करते हैं सिक्सटी अपॉन सेवन डेज में ठीक है एलसीएम लो इसका कितना आएगा सिक्सटी तो यहां से हो जाएगा आपका दस दिन और यहां से कितना हो जाएगा आपका सात दिन ठीक है दस और सात आपका आ जाएगा अब आपसे क्या कहा गया है क्यू पी खाली जो है छह दिन काम करता है तीन दिन काम करता है अच्छा पी जो है तीन दिन काम करता है और जो आपका क्यू और आर है ये छह दिन काम करते हैं क्यू और आर अगर छह दिन काम करते हैं इनकी एफिशिएंसी है कितनी सात तो कितना वर्क कर लिया है इन्होंने फोर्टी टू काम निपटा दिया है फोर्टी टू काम अगर निपटा दिया है काम है कितना साठ तो बचा कितना होगा अट्ठारह ठीक है अट्ठारह यूनिट किसने बनाई होंगी पी ने पी ने ये अठारह यूनिट कितने दिन में बनाई है तीन दिन में तीन से ऐसे डिवाइड करा दो तो एफिशिएंसी आ जाएगी तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी छः पी की एफिशिएंसी छ है क्यू की एफिशियंसी फिर कितनी हो जाएगी पी की अगर छ है तो क्यू की एफिशिएंसी चार हो जाएगी क्योंकि पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है दस है और इसमें से पी की मैंने फाइंड आउट कर लिया छह तो क्यू की कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी और अगर आर की एफिशिएंसी की बात करूं ये क्या है इनकी एफिशिएंसीज है तो अगर आर की एफिशिएंसी की बात करूं तो आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी क्यूँ की अगर चार है टोटल एफिशिएंसी क्यू और आर के साथ है तो इसकी कितनी हो जाएगी चार पाँच छः सात तीन तीन इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी आपसे पूछा है आर और पी का जो वर्क है उसमें कितना डिफरेंस है तो पी का अगर मैं टोटल वर्क निकालू भाई टोटल वर्क कितना है साठ है पी के हिसाब से छः यूनिट एक दिन में बनाता है तो साठ यूनिट दस दिन में बना लेगा वहीं अगर मैं क्यू का निकालूं सॉरी आर 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 का R का पूछा है है ना R की एफिशिएंसी तो कितने दिन में काम निपटा देगा ये ट्वेंटी डेज में दोनों का कितना डिफरेंस है दस दिन का यही आपसे पूछा था ठीक है एक ही पेज पे पूरा क्वेश्चन हो गया कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में ठीक है बस आपको एलसीएम एस लेना आना चाहिए ठीक है पी और क्यू काम को छह दिन में निपटाते हैं क्यू एंड आर इतने दिन में निपटाते हैं दोनों का मैंने एलसीएम लिया दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी मैंने फाइंड आउट कर ली है है ठीक अब यहां पर जो आपका <coughs> आ, और एफिशियर थे क्यू और आर जो है छह दिन काम करते हैं तो छह दिन में इन्होंने कितनी यूनिट बना ली होंगी छह दिन में इन्होंने फोर्टी टू यूनिट बना ली बच्ची कितनी यूनिट अट्ठारह यूनिट ये अट्ठारह यूनिट किसने बनाई होंगी क्योंकि ने भी तो तीन दिन काम करा है ना तीन दिन काम उसने करा है तो जाहिर सी बात है ये पीने बनाया होगा तो पी की आउट कर सकती हूँ तो और फिर इनका डिफरेंस आपसे पूछा था जो की आपका टेन डेज है ठीक है इजी इसमें शिफ्टिंग की नीड नहीं पड़ी ठीक है इसमें पड़ेगी मैं बता दूंगी ठीक है मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी uh, 52, टू फिफ्टी ओके कहा से छोड़ा था हमने उसी क्वेश्चन से तैयार करते हैं फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन पे न्यू कॉन्सेप्ट था अच्छा आपसे कहा गया है ए वो टेक ए जो है बारह घंटे कम देता है बी से किसी काम को पूरा करने में मतलब ए अगर आपका A और बी है आपका एक्स आर लेता है तो ए कितना लेता है? X -12 है? ठीक ये लेगा। आपका घंटे कम वर्किंग टूगेदर देगा अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना काम निपटा देंगे सेवनटीन पॉइंट फाइव और जो भी फिलहाल एलसीएम आएगा ठीक है एलसीएम यहाँ पर क्या लेते हो आप एलसीएम अब आप यहाँ से एक चीज देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए लिख लिया मैंने ठीक है जो भी होगा वो 17.5 का मल्टीपल ही होगा एलसीएम आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे कितने घंटे बी ने लिए हैं वो भी 50% के हिसाब से 50%. अगर 100% होता तो ज्यादा बेस्ट होता चलो कोई नहीं पचास के हिसाब से देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि ए ने बी से इतने कम घंटे लिए हैं और दोनों मिलकर इतने घंटों में काम कर देंगे या फिर इतने दिन में काम कर देंगे उस केस में देखो बहुत सिंपल सी बात है जैसे कि मैं आपसे कहूँ ए और बी है ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर 60 काम करेंगे ठीक है तो आप देख रहे हो जो 60 है इसमें कहीं ना कहीं आपका क्या छुपा है इसमें कहीं ना कहीं आपका 12 और 15 दोनों छुपे हैं तभी आपका सार्ट आया ठीक है ट्वेल्व फाइव जा एंडीन फोर जा है ना तो 12 और 15 है और थ्री और फोर है ना तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ जो भी ऑप्शन होगा जो भी ऑप्शन होगा वो या तो सिक्सटी होगा या फिर सिक्सटी का कोई मल्टीपल या कोई फैक्टर होगा उसका कनेक्शन होगा किससे 60 से है ना अगर आप यहाँ पे 12 देखो यहाँ पे 15 देख रहे हो तो यहाँ पर ये यह जो भी है और ये जो भी है तो जाहिर सी बात है ये इसका कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा ठीक है तो सिम्... और आपसे पूछा भी यही है तो सिंपली आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करो ऑप्शन से ये कुछ यूनिक मेथड है कॉन्सेप्ट है ठीक है और ये मतलब फिक्स पैटर्न आप समझ सकते हो इसे ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ऑप्शन से होते हैं वरना देखो अगर आप इसे सॉल्व ही करना चाहते हो ठीक है तो फिर आपको जो है एक्स की वैल्यू से ही सॉल्व करना पड़ेगा कोर्डनेटिव बनकर आएगी इसमें तो वो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर देंगी ठीक है और अगेन हमें जो है ये नहीं सिखाना है किसी को कि हमें कितनी मेहसानी है ये थोड़ी ना बताना है सिंपली हमें सिर्फ मतलब है अपने आंसर से कि किसी ना किसी तरह से हमारा आंसर जो है ठीक आ जाना चाहिए ठीक है अभी आपका बोर्ड के तो पेपर है नहीं कि प्रॉपर मेथड चले है ना ये आपका गवर्नमेंट एग्जाम है तो आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन को निपटाना होता है विद इन में ठीक है तो हम चलेंगे ऑप्शन से ऑप्शन कैसे 17.5 का आप जो हो मल्टीपल देख लीजिए ऑप्शन में और 100% गिवन होगा ठीक है जाहिर सी बात है गिवन ही होता है क्योंकि तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपसे कहा ना फिक्स पैटर्न के होते हैं तो देखो 18 तो है नहीं 17.5 का जो फैक्टर या मल्टीपल की बात करें क्या हो जाएगा 17 17 35 35 अगर ले लें तो और हाँ ऑप्शन में तो है नहीं तो हम ऐसा करते हैं 17.5 का मल्टीपल ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में जो है कुछ ऐसा गिवन नहीं है तो सबसे अच्छी बात है इसका हम मल्टीपल कोई फाइंड आउट करते हैं क्योंकि जो भी होगा इसके मल्टीपल में से ही होगा तो इसका अगर मैं मल्टीपल देखूं 35 लेकिन आपका 50% वर्क है 50% वर्क में तो डबल लेना पड़ेगा <laughs> जस्ट अ सेकेंड गाय पानी पी लू <laughs> ओके okay. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को तो यहां जो मैं एलसीएम लेती हूँ कौन से दो नंबर का एलसीएम ले जाए हाउ मैनी हाउ मेनी आर्स वुड बी टेक टू फिफ्टी परसेंट वर्क अच्छा बी का निकालना है भाई और वर्किंग टूगेदर ए और बी ए जो है अगर बी अगर एक्स में एक्स टाइम में करता है तो एक्स माइनस ट्वेल्व में करता है और दोनों मिलकर किसी टास्क को जो है सेवेंटीन पॉइंट फाइव आर्स में निपटा देते हैं ओके तो अगर मैं ऑप्शन से कुछ ऐसा ले लेते हैं जो कि मतलब इसे पैतीस पैंतीस अगर ले लें ऑप्शन से तब भी चलेगा काम है ना कि मैंने आपसे कहा था ना इसका मल्टीपल ले लो 35 तो अगर आप पैंतीस यहां पर रख लेते हो ठीक है तो क्या आ जाएगा यहां से एफिशिएंसी हम यहां से इजिली फाइंड आउट कर सकेंगे तो ये अगर आपका एक ही एफिशिएंसी यहां पर ये तो टाइम है हाँ चलो दोबारा इस क्वेश्चन को बताती हूँ ठीक है इसलिए मैं चाह रही थी इसमें आसान से आसान तरीका लगाना इसलिए मुझे थोड़ी सी देर हो रही है आपको बताने में क्योंकि इसमें मैं चाह नहीं रही कि मैं एक्स लेकर आपको क्वेश्चन समझाऊं क्योंकि वो पूरा पूरा स्लाइड भर जाएगी अगर एक्स लेकर मैं बताऊंगी तभी जो है टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को मैं चाह रही हूँ कोई ईजी मेथड मिल जाए जिससे कि हम ये क्वेश्चन कर दें क्योंकि जो है फिर बेसिक्स बनवाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है एक्सलेट करोगे कॉल्ड बनेगी है ना तो काफी दिक्कतें हो जाएंगी तो अगर यहाँ पर ए और बी का काम है अकेले ए का काम है और अकेले बी का काम है तो मैंने अगर यहाँ पे इनकी टाइम की बात हुई थी ए और बी के तो ए बी अगर एक्स ले रहा है तो ए कितना लेगा एक्स माइनस ट्वेल्व है ना ट्वेल्व घंटे कम ले रहा है तो टाइम अगर ये है तो एफिशिएंसी इनकी उल्टी हो जाएगी एफिशिएंसी ए की कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी बी की हो जाएगी x माइनस ट्वेल्व है ना लेकिन उससे भी बात बंद नहीं रही एक्चुअली फिर जो है अगेन आपकी जो है दिक्कत होगी तो सबसे ईजिएस्ट क्या रहेगा इसके लिए चलो इस क्वेश्चन को अभी मैं देखती हूँ आसान तरीका कोई इजी मेथड ठीक है क्योंकि एक्सलेट करके तो कोई मतलब ही नहीं है फिर इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने का कोई फिर मतलब ही नहीं रहा अगर हम इसको एक्सलेट करके करेंगे है ना इस वजह से देखते हैं इस क्वेश्चन को अभी के लिए मैं इसे स्किप करती हूँ लास्ट में इस क्वेश्चन को समझाती हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी करते हैं वर्किंग टूगेदर ए और बी सेवन पॉइंट फाइव डेज इफ ए वर्क अलोन कंप्लीट हाफ ऑफ जॉब एंड बी वर्क्स बी टेक्स ओवर एंड कंप्लीट द रिमेनिंग हाफ ऑफ जॉब ठीक है मिलकर जो है इतने दिन में काम कंप्लीट करते हैं और अकेले जो है अगर ए आधा काम निपटाता है उसके बाद बी आकर आधा काम निपटाता है तो इस तरह से काम बीस दिन में निपट जाता है तो आपको बताना है ए जो है कितने दिन में टास्क निपटा लेगा अगर हम ये माने बी ज्यादा एफिशिएंट है ए से तो ठीक है ये क्वेश्चन काफी अच्छा है आपसे क्या कहा गया है सेवन पॉइंट फाइव डेज में मिलाते हैं ठीक है तो एक ऑप्शन में देखूं मैं एक ऐसा नंबर जो ए और बी मिलकर 7.5 डेज में काम करते हैं तो एक ऐसा ऑप्शन जो 7.5 का मल्टीपल हो तो वो कौन सा आपको दिख रहा है 30 है ना 15 और पंद्रह तीस हो जाएंगे ये है ना तो 30 मुझे दिख रहा है तो 30 में क्या मान लेती हूँ एल सी एम है ना एल सी ए मैं यहाँ पर 30 मान लेती हूँ ए और बी 7.5 डेज में काम करते हैं तीस यहाँ पे मैंने माना तो एफिशियंसी कितनी हो जाएगी ए और बी की चार ए और बी की एफिशियंसी चार है ए और बी तो आपसे कहा गया है बी ज्यादा है तो मैं इस चार एफिशियंसी को कुछ इस तरह से ब्रेक करूँ कि बी की ज़्यादा आ जाए और ए की एफिशियंसी बी से कम हो दोनों मिलकर जो है कितने दिन में निपटाते सेवन पॉइंट फाइव डेज में तो अगर आप देख भी सकते हो कितनी आएगी तीन और एक चार चार इनकी एफिशिएंसी है टोटल वर्क तीस है तो अगर मैं डिवाइड करा रही हूं तो कितना आ रहा है आपका मिलकर फोर सेवन जै एंड फोर फाइव ट्वेंटी है ना सेवन पॉइंट फाइव तो देखो वेरीफाई भी मेरा यहाँ से ऑप्शन हो रहा है वेरीफाई भी हो रहा है ठीक है यही चीज मैं इस वाले क्वेश्चन में चाह रही थी करना कि अगर मैं इस तरह से ऑप्शन से उठा लूँ तो चीजें आसान हो जाएंगी ठीक है तो इसको मैं देखती हूँ इसमें दिक्कत क्या आ गई है इसमें फिफ्टी परसेंट वर्क की आ गई है दिक्कत ठीक है इस ठीक है तुम इसके लिए भी अभी जुगाड़ बनाती हूँ कुछ रुको है ना पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी निपटाते हैं ये चीज समझ में आ गई देखो ये क्वेश्चन आप एक्स से भी कर सकते थे ठीक है मैं बताऊंगी ऐसे किस तरह से करोगे द, मन नहीं होगा चाहोगे क्वेश्चन छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है फिलहाल हाँ तो मैंने आपसे क्या कहा कितना सेवन पॉइंट फाइव फोर्थ से आपका एफिशिएंसी आ जाएगी और आपने इसको वर्क को डिवाइड करा लिया है अब आपसे क्या कहा गया है हाफ ऑफ दी वर्क जो है ए ने किया है एंड हाफ ऑफ वर्क आपका बी ने किया है, है ना तो टोटल वर्क अगर तीस है तो ए ने करा होगा पंद्रह और बी ने भी कितना किया होगा पंद्रह ठीक है इसके अकॉर्डिंग भी एफिशिएंसी बिल्कुल ठीक आ रही है ठीक है तो आपसे क्या कहा गया है टोटल वर्क आपको बताना है ए और ए कितने दिन में करेगा तो भाई ए की एफिशिएंसी एक है टोटल वर्क कितना है तीस है तो तीस ही आपका आंसर है वेरीफाई भी हो रहा है देखो अगर आप सोच रहे हो गया आप ऐसी मैम ऐसी टिक कर देती दे थर्टी देखो क्यों नहीं करा मैंने एसिडिक वो इसलिए हर बार जरूरी नहीं है जो हमने एल्शियम लिया है ना यहाँ से ऑप्शन में से तो वो हर बार आपका सही हो कई बार हो सकता है ये थर्टी का कोई मल्टीपल होता या फिर कोई फैक्टर निकल कर आता तो इसलिए आपको क्रॉस चेक करना भी बहुत जरूरी है ठीक है ये जो है ना कुछ यूनिक मेथड के क्वेश्चन है अगर आप इनका यूट्यूब पर या फिर आप इन, इनका जो है आप गूगल पर सोल्यूशन देखोगे ना कॉपी पेस्ट करके तो आपका मन नहीं होगा इसमें के क्वेश्चन करने का इतना लेंथी सोल्यूशन होता है ठीक है तो ये फिक्स पैटर्न के कुछ क्वेश्चन है इसी वजह से कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है इसी वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ ठीक है सिंपल था बिल्कुल आपको मैं पहली कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ कि आपका मल्टीपल आपको ढूंढना है तो मैंने देखा तीस है और बाय लक है ना हमारा जो है वो वेरीफाई भी हो रहा है कि दो अगर इन दोनों का वर्क देखा जाए टोटल चार है एक दिन में चार यूनिट बनाते हैं तो तीस यूनिट सेवन पॉइंट फाइव डेज में बना लेंगे और ये हमें ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन भी है तो हमारा इस तरह से वेरीफाई भी हो रहा है कोई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है है ना और बस आपसे पूछा था ए का काम वो हमारा फाइंड आउट हो चुका है ठीक है इसी तरह से अगर मैं जो हूँ इसका क्वेश्चन देखती हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन का चलो अगर मैं जो हूँ टोटल काम को पैंतीस मान लेती हूँ क्योंकि यहाँ, इसका 35 है ठीक है तो ए और बी अगर टोटल काम को कितने दिन में करेंगे 35 अपॉन टू है ना सेवनटीन पॉइंट फाइव का मतलब 35 अपॉन टू ही होता है तो ए एंड देन बी तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मैंने एलसीएम भी यहाँ पर डायरेक्ट 35 ले लिया 35 देकर तो इसकी एफिशिएंसी तो आपकी दो हो जाएगी ठीक है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मान लीजिए x है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 x है ना यही निकल कर आएगी एफिशिएंसी एफिशिएंसी ये आ चुकी है देन फिर आपका क्या होगा 35x किसके इक्वल होगा 35 2 x एक एफिशिएंसी माइनस बारह ये तो कहा गया था आपसे कि जो ट्वेल्व आर्ट्स हैं वो बी ए जो है कम लेता है बी से लेस देन है ना तो मैंने कम कर दिए ट्वेल्व आर्ट बी ए में से तो दोनों की जो है इक्वल हो जाएगा यहाँ पे वर्क अगर ट्वेल्व को मैं इधर ले आऊं और फिर जो है थर्टी फाइव टू माइनस एक्स माइनस थर्टी फाइव अपॉन एक्स तो यहाँ से अगर थर्टी फाइव में कॉमन भी ले रही हूँ तो देखो बहुत ही गंदी सी इक्वेशन बनकर आएगी ये इसे आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बन कर आएगी तो बहुत ज्यादा झमेला हो रहा है ठीक तो है तो हम ऐसा करते हैं थर्टी फाइव का मल्टीपल यहाँ पर कोई कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन गंदी ना आए तो मैंने यहाँ पर थर्टी फाइव का मल्टीपल यहाँ पर कैलकुलेट कर लेती हूँ वो ज्यादा अच्छा रहेगा तो थर्टी फाइव का मल्टीपिल क्या हो जाएगा थर्टी फाइव अपॉन टू है और इसका हम मल्टीपल ले, ले लेते हैं दो सौ दस दो सौ दस तक ले लो वो ज्यादा बेस्ट है क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा ठीक है यह है ए तो यह है बी तो एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आ जाएगी इनकी हिसाब से बारह ठीक है एक छह बार में और देन टू से मल्टीप्लाई कराओगे तो बारह बारह एफिशिएंसी आ जाएगी कहा गया है बी ज्यादा एफिशिएंट है बीस ए से वर्किंग अच्छा इसमें कुछ ऐसा गिवन है क्या अभी वुड टेक कंप्लीट डाटा हाँ तो जाहिर सी बात है बी ज्यादा एफिशिएंट है ए वुड आवर्स कम ले रहा है तो ए ज्यादा एफिशियंट है ना आवर्स अगर ए कम ले रहा है तो ए ज्यादा एफिशियंट होगा तो बारहसी को मैं कुछ इस तरह से डिवाइड करूं कि ए और बी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या तो पा, सात और पांच में ठीक है आठ और चार में भी कर सकते हैं नौ और तीन में भी कर सकते हैं है ना इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं अगर मैं पहला ही ऑप्शन देखूं पाँच सात और पाँच का सेवन रेशू फाइव का ठीक है आ, तो ये कितने दिन में काम खत्म कर देगा इस तरह से 30 में और ये आपका 32 में 42 में और दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है 12 का डिफरेंस है वेरीफाई भी हो रहा है तो हाँ एफिशिएंसी इनकी 7:2 ही रहेगी एफिशिएंसी 7:2 है इनकी बस आपको क्या फाइंड आउट करना है इनका अलग-अलग वर्क ए बी को जो है 50% काम करने में कितना टाइम लगेगा टोटल काम है 210 बी कितना करेगा पांच के हिसाब से आपका करेगा एफिशिएंसी फाइव थी ना अच्छा फोर्टी टू निकाल तो लिया था मैंने ये फोर्टी टू और हाफ काम कितने दिन में करेगा ट्वेंटी वन तो आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन ठीक है और आप देख भी सकते हो 21 इसका फैक्टर भी है इसी वजह से मैंने 21 21 पर लिया था था समझ गए आप ये रीजन लेने का बस आपको क्या करना है आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है इसमें कि आपको जो एफिशिएंसी आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो उसको क्रॉस चेक कर लेना कि जिस तरह से ये दोनों मिलकर इतने दिन में काम कर रहे थे ठीक है तो ये चीज वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही तो आप देख सकते हो सात पाँच कितने होते हैं आपके बारह ठीक है अब 12 को अगर आप 210 को अगर मैं 12 से डिवाइड कराऊंगी तो कितना आएगा या आ जाएगा आपका थ्री से फोर टाइम या आ जाएगा सत्तर तो वो चारिकम चार पाँच छः सात फाइव सेवनज ट्वेंटी एट फोर सेवन ज ट्वेंटी एट एंड देन 5 20 है ना तो देखो ये चीज वेरीफाई भी हो रही है बस आपको ये चीज क्या करना है वेरीफाई मैंने वेरीफाई एंड में करके इसलिए बताया क्योंकि मुझे यहाँ पर 21 दिख चुका था किस से मुझे ध्यान आया कि 35 को जो है आप 35 जो है मल्टीपल है किसका 21 का फैक्टर है सॉरी 21 का ठीक है इसी वजह से जो है मैंने यहां पर 210 एलसीएम लिया है ना I hope आपको ये clear होगा एक बार और से skip कर देते है, जिनको इस से करना नहीं आता तो फिर एक करके ठीक है तो सिंपल था आपका सिंपली आपको क्या करना है आपको जो है मिलकर ये दोनों जितनी देर में काम कर रहे हैं जितने डेज में वर्क कर रहे हैं उसका आपको क्वेश्चन में से ही आपको आ, एलसीएम उठाना है तो मैंने 21 देखा तभी मैंने 210 ले लिया है ठीक है उसका कोई फैक्टर या उसका कोई मल्टीपल सिंपली फिर मैंने इसे क्या किया इसे फिर मैंने जो है जो भी एफिशिएंसी आई थी बारह उसको कुछ इस तरह से डिवाइड किया कि मेरी जो है जब मैं क्रॉस चेक करूँ तो जो है मेरा टोटल वर्क दोनों मिलके जब काम करें तो 17.5 डेज में निपटा दे इसमें मैंने चेक किया अगर इस तरह से नहीं आता तो मैं जो हूँ एट इस टू फोर करके देखती लिया वरना नाइन इस टू थ्री करके तो आ ही जाता ठीक है इस आपको क्रॉस चेक करना होगा आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो ठीक है देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन क्वेश्चन पी और क्यू मिलकर किसी काम को अट्ठारह दिन में कर लेते हैं ठीक है आपसे कहा गया है क्यू अगर अकेला काम करता है और वन थर्ड काम करने के बाद वो चला जाता है कुछ दिन काम किया उसने और वन थर्ड काम जब निपटा तो वो चला गया उसके बाद पी आता है कंप्लीट वर्क को जो है पूरा करता है मतलब टू थर्ड काम इसने यहाँ पर पी ने निपटाया इससे हुआ क्या कि दोनों मिलकर जो है इस तरह से चालीस दिन में काम को पूरा कर लेते हैं तो आपको बताना है कि पी अकेला कितने दिन में काम को करेगा अगर क्यों ज्यादा एफिशियंट है पी से ये चीज आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन में ठीक है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं <coughs> मिलके 18 दिन में वैसे एक थर्ड काम करेगा Q और P करेगा टू थर्ड काम राइट यही इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं वो ज्यादा बेस्ट रहेगा है ना क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं भाई P और Q किसी काम को मिलके 18 दिन में कर लेते हैं वहीं आपसे कहा गया है P करता है आपका खाली एक तिहाई काम और Q करता है टू

हाँ, है क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया यार क्वेश्चन हमारा यह क्वेश्चन में किया, कहा गया है कि दोनों मिलकर 40 दिन में काम निपटा देते हैं ठीक है और ये जो Q है P एंड Q टूगेदर 18 दिन में काम निपटा देते हैं चलो ये तो हो गया Q वर्क अलोन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वन थर्ड ऑफ दर्ड टास्क अच्छा जितना भी है उसका टास्क अगर निपटाता है तो जो है उसके बाद अच्छा ठीक है टास्क कितना है 72, 72 का one third इसने निपटा दिया है ना ये था ना वन थर्ड इसने निपटा दिया तो कितना निपटाया चौबीस चौबीस काम यहाँ निपटाया किसने पी ने वहीं अगर क्यू की बात करें क्यू ने टू थर्ड काम निपटाया तो चौबीस इंटू टू फोर्टी एट फोर्टी एट काम जो है क्यू ने यहाँ पर निपटा दिया है ठीक है अब आपसे क्या पूछा गया है अगर मैं देखूँ यहाँ पर एफिशिएंसी एफिशिएंसी कौन ज्यादा है यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है ऐसा अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर लिखा है इफ क्यू हैट लेस वर्क लेसर देन पी मतलब क्यू जो है क्यू से पी से कम काम करता है तो यहाँ पर एफिशिएंसी किसकी ज्यादा हो जाएगी पी की उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर क्यू पहले आता है क्यू आपका वन थर्ड का टास्क निपटा रहा है और पी आपका है ना रिवर्स कर दिया है मैंने रेशू देखा गलती होने के मतलब एक तो क्वेश्चन केड़ा और पर से लिखा भी उल्टा है ठीक है तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है आपको बहुत ध्यान से ठीक है और ये सारी चीजें ना प्रैक्टिस से ही आ जाती हैं आराम से तो ये आपका क्यू का वर्क था ये आपका पी का वर्क था क्योंकि पी आपका कितना निपटा रहा है टू थर्ड निपटा रहा है और क्यू आपका वन थर्ड निपटा रहा है क्योंकि पहले जो तो इन्फॉर्मेशन गिविन है ना वो आपकी क्यू की इन्फॉर्मेशन गिविन है कि क्यू वन थर्ड निपटा रहा है ठीक है तो मैंने बाय मिस्टेक उल्टा लिख दिया था ठीक है तो यहाँ से हम देख लेते हैं इनकी एफिशेंसी तो एफिशेंसी क्या क्या हो जाएगी इस तरह से क्यूँकी हो जाएगी आपकी एक क्योंकि क्यू ज्यादा कम एफिशियंट है और पी ज्यादा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर आपका है कि क्यू कम काम करता है एस कम्पेयर टू पी ठीक है तो ये चार एफिशिएंसी थी तभी मैंने तीन इंस टू वन के रेशो में से डिस्ट्रीब्यूट कर ली बस अब कुछ भी नहीं था अलग अलग वर्क फाइंड आउट करना था तो क्या फाइंड आउट करना था इसमें पी पी कितने दिन में अकेला काम करेगा पी की एफिशिएंसी तीन है टोटल वर्क आपका बहत्तर है बहत्तर अपॉन तीन कितना हो जाएगा आपका चौबीस तो P जो है चौबीस दिन में काम को कर देगा बहुत इजी क्वेश्चन था चौबीस आपका करेक्ट आंसर है अब देखो बहत्तर मैंने काम लिया था ना टोटल इनकी एफिशिएंसी चार आई थी बहत्तर को अगर मैं चार से डिवाइड कराऊंगी तो कितना आ रहा है चार एकम चार चार पाँच छ सात थर्टी टू। टाइम्स अब देखो लिखा हुआ भी यही है कि दोनों मिलकर जो है किसी काम को अट्ठारह दिन में पूरा करते हैं अब देखो दोनों मिलकर किसी काम को अट्ठारह दिन में पूरा करते हैं तो ये चीज मेरी वेरीफाई भी हो रही है ठीक है और जब तक तो वेरीफाई नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा सही है ना तो इसी वजह से एक बार जब भी आप कोई भी एलसीएम लो तो ठीक है एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना ठीक है ये फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन है और ये इसी तरह से एग्जाम में आए थे मैंने कुछ भी डेटा अलग फुलट नहीं करा है सब कुछ सेम है यहाँ पे ऑप्शन भी सेम है ठीक है आई होप आपको ये क्लियर होगा ठीक है मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस अगर यहाँ पर बहतर नहीं होता तो आप कोई भी ऐसा मल्टीपल मान सकते थे एज ए एलसीएम ठीक है वरना वैसे ज्यादातर ना नाइन्टी नाइन परसेंट केसेस में एलसीएम आपका गिवन ही होता है ऑप्शन के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो ईजिली वन परसेंट जब एग्जामिनर चाहेगा आप क्वेश्चन करो ही ना तब जरूर नहीं देगा उस केस में आपको एक्सलेक्ट करना पड़ेगा जो मैंने आपको पीछे बताया था ना मेथड उस तरह से ठीक है मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेम पैटर्न पर बेस्ड है तभी बैक टू बैक क्वेश्चन है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए ठीक है एक बॉय है वो 15 आवर्स में ज्यादा काम करता है इस कंपेयर टू मैन बॉय एंड मैन ठीक है मैन अगर एक्स घंटे में काम करता है तो लड़का जो है एक्स माइनस फिफ्टीन आवर्स ज्यादा लेता है मोर है ना मैन बॉय अट्ठारह काम करता है उसके बाद मैन आकर 6 काम करता है और इसकी इस तरह से जो है थ्री फिफ्थ काम जो है पूरा हो जाता है तो आपको बताना है इन हाउ मच टाइम विल बी कम्प्लीट कंसिडरिंग मैन कंटिन्यूसटी वी तो कितने टाइम में जो है काम पूरा हो जाएगा ठीक है कितने टाइम में हो जाएगा बॉय ने अट्ठारह काम किया और एक्स अपॉन फिफ्टीन के साथ ठीक है जिसकी वजह से अच्छा ये इनका टाइम है तो एफिशिएंसी तो इनकी उल्टी हो जाएगी ना एफिशिएंसी इसकी एक्स हो जाएगी और इसकी एक्स प्लस फिफ्टीन हो जाएगी ठीक है एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी तो यहाँ पर क्या करना है मुझे रब कर देती हूँ रुको जरा ओके okay. एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी इनकी ठीक है ओके okay. देन टोटल वर्क कितना हो जाएगा टोटल वर्क चलो नीट है क्या टोटल वर्क की हाँ टोटल वर्क की नीट किसी को भी मल्टीप्लाई करा लो तो टोटल वर्क भी हर हा, लगे हाथ चलो लिखी देती हूँ टोटल वर्क आपका ये हो जाएगा अब क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है बॉय जो है एट्टीन एक्स में जो काम करता है ठीक है और प्लस ये जो मैन है ये कितना काम करता है सिक्स की एफिशिएंसी सिक्स आर करता है ना ये सिक्स सिक्स आर करता है सिक्स आर काम करता है कि कितनी एफिशिएंसी के साथ एक्स प्लस फिफ्टीन एफिशियंसी के साथ तो ये कितना काम निपटा देते हैं तब जाके टोटल काम का थ्री फिफ्थ निपटता है टोटल वर्क कितना है एक्स एंड एक्स प्लस फिफ्टीन ठीक है नेक्स्ट पेज पे करती हूँ वही ज्यादा बेस्ट रहेगा ठीक है यहाँ से समझ लो ठीक है यहाँ पर जो है वो एक्चुअली स्ट्रक हो गया था मेरा सिस्टम वो हैंग हो गया था तो इस वजह से ना ही पैन चल रहा था ना वही वॉइस आ रही थी काफ़ी दिक्कत हो गई थी ठीक है चलिए यहाँ से एक बार और समझ लीजिए टाइम आपको गिव है सिंपली मैंने फाइंड आउट कर लिया एफिशिएंसी आपको पता है रिवर्स हो जाती है उल्टी होती है टोटल वर्क इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो टाइम इनटू एफिशिएंसी तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा ठीक है आपसे कहा गया है अट्ठारह घंटे बॉय ने काम किया छः घंटे आ, मैंने काम किया और इस तरह से थ्री फिफ्थ काम जो है टोटल काम का निबट चुका है ठीक है इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख लेती हूँ 18x या फिर ऐसा करते हैं लिखने की नीड भी नहीं है यहाँ से आपको पता है तीन 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 कॉमन आ रहा है यहाँ पर भी तीन है यहाँ पर भी तीन है और यहाँ पर भी तीन है तो अगर मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा यहाँ से मुझे मिलेगा सिक्स एक्स ठीक है प्लस टू एक्स और प्लस थर्टी है ना देखो ये टू एक्स हो जाएगा ना टू एक्स प्लस और ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा थर्टी और अंदर क्या मिलेगा मुझे यहां से मुझे मिलेगा तीन था ना तीन तो कैंसिल आउट हो गया एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस फिफ्टीन अपॉन कितना फाइव था फाइव इधर ले जाती हूं तो कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा सिक्स फाइव धा एक्स कितना कितना का इधर ले चो 15x, तो 15x ही बचेगा और ये कितना था आपका बी दस एक्स था तो पच्चीस एक्स हो जाएगा टोटल मिलाकर है ना पच्चीस एक्स प्लस एक सौ पचास इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस एक्स माइनस एक सौ पचास एक सौ पचास के फैक्टर ऐसे के पच्चीस बन जाए तो वो कौन से होते हैं बहुत ही आसान है थ्री और 5 के है ना तीन और 5 ही बनेगा ठीक है तीस और 5 फैक्टर बन जाएंगे एक सौ पचास के तो एक बार आपका प्लस में आएगा प्लस में कौन सा आएगा तीस नहीं तीस प्लस में नहीं आएगा तीस आएगा आपका माइनस में एक्स माइनस थर्टी एंड एक्स प्लस 5 आपके फैक्टर है इज इक्वल्स टू 0 ये वाला तो वैसे नहीं बनेगा क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं चाहिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 x हमारा 30 फाइंड आउट हो चुका है अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है टोटल वर्क टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से ये सब मैं रब कर देती हूँ टोटल वर्क हो जाएगा हमारा टोटल वर्क की नीड है वैसे फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कितने टाइम में काम खत्म होगा देखो 18 घंटे तो काम ऑलरेडी हो चुका था 6 घंटे इन्होंने करा 18 और 6 कितना होता है 24 24 घंटे तो बचे हैं और काम निपटा कितना है थ्री फिफ्थ टू फिफ्थ काम बचा है और क्या कहा गया है कि अगर आप माने कि मैन ही सारा काम कम निपटाता है मतलब ये टू फिफ्थ काम हम किससे निपटवाएंगे मैन से मैन की एफिशिएंसी आ चुकी है तीस है ना तीस मैन की एफिशिएंसी है यहाँ पर हमने तीस मैन की एफिशिएंसी थी और उसकी कितनी थी x प्लस फिफ्टीन थी ठीक है तो तीस के हिसाब से कितना काम यहाँ पर और निपटेगा क्या कर रही हो मैं जस्ट अ सेकेंड ठीक है फिफ्थ काम बचा है ठीक है टू फिफ्थ काम बचा है और इसे कौन निपटाएगा मैन तो निपट जाएगा कितना हो जाएगा टोटल वर्क यहां पर कितना था ये तो अगर मैं तीस की वैल्यू टोटल वर्क में पुट करूं तो कितनी आ जाएगी तीस इंटू तीस प्लस पंद्रह फोर्टी फाइव अपॉन फाइव नाइन आ जाएगा ये 270 टोटल वर्क है जिसमें से कितना काम निपटाना है मुझे टू बाय फाइव कितनी बार में जाएगा ये पांच एंड देन फोर फिफ्टी फोर चार चार आठ एक सौ आठ ऑप्शन मैच नहीं हो रहा चौबीस काम बचा है टू फिफ्थ काम बचा है ना हमारा ओहो हाँ सही तो है यार बिल्कुल सही आ रहा था तीस बिल्कुल सही लिखा था मैंने यहाँ पे फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया छह बार कैंसल आउट होगा तो बारह ही तो काम बचा है छत्तीस आंसर है कभी कभी दिमाग चल जाता है ठीक है चलो दोबारा से एक मिनट समझ लो ठीक है वो मैंने एक्चुअली रब कर दिया था इसी वजह से जो है इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया मैंने ये सब कुछ नहीं है एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को ठीक है सिंपल था ये क्वेश्चन ये था आपके लेंथी क्वेश्चन ये हम एग्जाम में तब करने चाहिए तब जो है हमारे पास टाइम हो अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को हमें स्किप कर देना चाहिए क्योंकि इसमें एक्स लेट हमारा होगा ठीक है बेसिक से ये क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत ईजिली देखो हुआ क्या है क्वेश्चन में एक बार समझ लेते हैं दोबारा से हमसे कहा गया था कि बॉय जो है पंद्रह घंटे ज्यादा काम करता है मैन से तो हमने जो है इस तरह से एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली थी कि अगर बॉय आपका x प्लस पंद्रह काम कर रहा है तो मैन कितना कर रहा है x काम ये इनका अगर टाइम था तो एफिशिएंसी हो जाएगी x एंड x प्लस की फिफ्टीन ठीक है तो टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया था थर्टी जिसका ही हमने जो है सिक्स ईयर निकाला है फाइंड आउट किया है ठीक yeah. है अब देखो हुआ क्या इसके थ्रू मैंने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे कि भाई ये इक्वेशन मैंने बनाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा इतना इक्वेशन बनाई सॉल्व किया और सॉल्व करके मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाती है एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई है बस अब मुझे फिर सिंपली क्या फाइंड आउट करना है एक्स मेरा क्या था मैन था तीस अब जो है अगर आप देखो चौबीस काम तो निबट चुका है क्योंकि अट्ठारह घंटे जो है बॉय ने काम किया है और छह घंटे मैन ने काम करा है ठीक है तो चौबीस काम तो निबट चुका है बचा कितना काम है टू फिफ्थ काम बचा था ठीक है क्योंकि थ्री फिफ्थ काम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है थ्री फिफ्थ कंप्लीट हो चुका है तो बचाए कितना टू फिफ्थ टू फिफ्थ कान कौन कान सॉरी <laughs> काम को कौन निपटाएगा मैन मैन कितना है तीस कैंसिल आउट करोगे बारह तो बारह यूनिट बारह घंटे और मैन को काम करना होगा तब जाके छत्तीस दिन में काम कंप्लीट होगा वर्क डन कितने दिन में होगा छत्तीस दिन में तो सी आपका आंसर है यहाँ पर ठीक है सी आज के क्वेश्चन बहुत कर रहे हैं है ना किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन बचा होगा क्वेश्चन नंबर नहीं सभी क्वेश्चन हो चुके हैं तो गाइज ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास ठीक है अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो हाँ अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है ना तो आप मुझे जनरल स्टडी सी ग्रुप में पूछ लेना और वीडियो को आपको शेयर करना है लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको पता ही है थ्री पी पर आपका जो है प्रैक्टिस बैच चल रहा है जिसमें मैं एस SI आई और सी के क्वेश्चन करा रही हूँ ठीक है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो आज भी मैंने वीडियो अपलोड करी है आप वहाँ से जाकर देख सकते हो ठीक है और इस, इसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो सिंपली आप स्क्रीन लेना मुझे ग्रुप में टैग करना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी या फिर आपको ग्रुप में ही समझा दूँगी ठीक है चलो थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर बाय बाय